करें हैं पुरानी मंडी के उत्थान कार्य के बाहर, इसे कहते हैं मानव सेवा। अनुच्छेद सेवा समिति की ओर से मानव सेवा का जो कार्यक्रम है लगातार चल रहा है। कोरोना वायरस के चलते जो बाहर से आए फंसे हुए लोग, जो आदिवासी लोग हैं, जो पैदल पैदल कोटा से चलकर इनके गाँव की ओर पहुँच रहे हैं, लगभग कम से कम ऐसे 1000 से अधिक लोगों को जो है अनक्षेत्र अभी तक खाना खिला चुका है और जिस तरह से यहाँ खाने की व्यवस्था की जा रही है, और ये लोग पैदल 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 झलावाड़ से ये अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कैमरामैन से कहूंगा एक बार लाइन पूरी बताएं किस तरह की भोजन व्यवस्था चल रही है, और जितने भी समाज संगठन मिलकर है ये भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे बात अनक्षेत्र की हो, बात जैन संकल्प ग्रुप की हो, बात सभी संगठनों की हो, सभी संगठन मिलकर इस तरह के खाने का भोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर लगातार जो है आप दूर तक देखें इतनी जो लाइन और कतार लगी है, ये लोग वो हैं जो कि पैदल पैदल चलकर कोटासर अपने आदिवासी इलाके में, यानी कि रतलाम के पास झाबुआ दाहोद, ये वहाँ के लोग हैं या वहाँ की लेबर है, जो कि लेबर पे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो काम होता है उस पर ये लोग काम करते हैं। अब इनके आने जाने का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वो बंद हो चुकी है, वहीं कोरोना वायरस के चलते भारत रेलवे सुविधा है वो बंद हो चुकी है। हम तिवारी जी से भी बात करते हैं, जानते हैं कि अन क्षेत्र की तरफ से जो व्यवस्था की गई है तिवारी जी, वो कितने लोगों को अभी तक खाना खिला चुके हैं और अभी तक खाना बन रहा है वहाँ? और सवेरे 8 बजे से अन क्षेत्र में लगभग 100 आदमी आकर, आदिवासी छोटे छोटे बच्चे उनके साथ थे, आकर वहाँ बैठे, तो हमने जैसे ही वो व्यवस्था तुरंत हमारे जो अन्य क्षेत्र में खाना बनाने वाले भाई वगैरह हैं उनको बुलवाया, हमारे छगन जी सक्रिय सदस्य हैं उसके, और भी लोग हैं, लेकिन जो उस समय उपस्थित हो सके सब ने मिलकर जैसी व्यवस्था बैठी, कुछ बिस्किट है, कोई चाय है, जैसी व्यवस्था बैठी, और फिर उसके बाद तुरंत उनके पूरी और सब्जी बनाकर उनको पैकेट बनाकर दिए, वहाँ बिठाया नहीं। बिठा के खाना खिलाने में क्या है, जैसा हमारा मोदी जी ने कहा कि सबको दूरी होना चाहिए, अब यहाँ जो व्यवस्था जैसी बैठ गई है तो अभी तुरंत लाकर यहाँ भी पैकेट दिया। लगभग अभी तक हमने 700 लोगों के करीब भोजन करा दिया है, और अभी भी हमें लग रहा है करीब 1500 आदमी लगभग और आ रहे हैं कोटा से पैदल, तो उनकी व्यवस्था जैसी भी, हमारा अन्य क्षेत्र सेवा संस्थान जो बरसों से चल रहा है इस कार्यक्रम में सबसे आगे है, वो निरंतर काम में लगा हुआ है। देखा आपने, तिवारी जी ने बताया कि निरंतर काम में लगा हुआ है, कम से कम ऐसे कई लोग हैं जो हमें खाने की उनकी व्यवस्था की जा रही है, अन्य क्षेत्र व्यवस्था कर रही है, और लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से। क्या नाम है आपका? गुड्डू। कहाँ से आए हैं? पैदल पैदल कहाँ जाओगे? अब ये कौन से गांव के अंदर है पता है आपको? पता नहीं है। ये खाने की व्यवस्था किसने करी है? कमाई करी। अच्छा, कितने लोग हैं आपके साथ? 700। यानी कि 700 लोग जो है कोटा से चलकर पैदल आए हैं, उनकी व्यवस्था हर जगह हो रही है। अब कहते हैं ना कि कोरोना वायरस के चलते मानव सेवा जो है वो सरकार जो है समाज का वो कहीं ना कहीं ये देखने को नजर आ रहा है, और झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में नहीं पूरे भारत के अंदर सब लोग समाज सेवा कर रहे हैं। आप ये लोग जो है वो खाना खा चुके हैं, पुलिस का बैरिकेड जो है वो लगा हुआ, पुलिस भी मुस्तैदी व्यवस्था में लगी हुई है, आने जाने वालों को वाहन को रोकने का काम भी कर रही है। मैं ऐसे हिसाब से बात करूंगा, ऐसे हिसाब इधर आए, किस तरह के आप यहाँ से आपकी ड्यूटियाँ लगाई गई है, कितने लोगों को अभी तक खाने की व्यवस्था की गई है, भोजन की व्यवस्था की गई है? करीब 200-300 आदमियों को खाने की व्यवस्था होगी। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये लोग? ये बता रहे हैं हम कोटा से झाबुआ जिले जा रहे हैं। इनका मेडिकल चेकअप हो रहा है? मेडिकल चेकअप नहीं हुआ इनका, तो मेडिकल चेकअप के लिए आप फोन करके बुला सकते हैं ना उनको? फोन कर दिया उनको, टीम को, चेयरमैन साहब को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, उस चीज बंदे उन्होंने नहीं, आप डॉक्टर को फोन करो, कर दिया उनके फोन, उन्होंने क्या करेंगे साहब। देखा आपने, वही बात ये आ रही है कि 300-400 लोगों ने यहाँ खाना खाया है, जब इनके मेडिकल चेकअप की बात आती है तो स्वास्थ्य केंद्र को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब ये इतनी दूर से पैदल चल कर आते हैं कई लोगों से टकराते हैं, कई संक्रमण पैदा होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी अत्याति ये इनको होता ही है। और हम ये एक निवेदन कर रहे हैं खबर 24 के, आप घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि 14 दिन का लॉकडाउन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया है। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घर के अंदर ही रहकर सारा काम करें। 8 से 12 बजे तक का जो बाजार है वो खुला है, उसमें अति आवश्यक जो चीज़ें हैं किराना दूध मेडिकल ये ले सकते हैं, और लगातार इसे समाज के संगठनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, खबर 24 की ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो व्यवस्था जो है खाने की पूरे शहर में देखने को नजर आ रही है। मैं लोकेश मकवाना जुबेर खान कैमरामैन के साथ, हम खड़े हैं जिस तरह से भवानी मंडी में कोरोना वायरस और पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस छाया हुआ है, और कहीं ना कहीं डर की जो भय भी है वो कहीं ना कहीं कई लोगों में नजर आ रही है, और जो आवागमन ट्रांसपोर्ट का है वो भी बंद हो चुका है, और जो आने वाले जाने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर यतीम गरीब जो संस्था है भवानी मंडी में बेसुदा मंडी के अंदर, ये लगातार निरंतर रूप से काम कर रही है। बात हम इनकी जब करें तो रेलवे के अंदर जो
रेलवे के अंदर स्टेशन पर जिस तरह से उन्होंने खाने बांटने का काम किया है, कई जगह ये है उन लोगों तक जहाँ शादी होती है और अगर वो खाना बचता है तो उनको इकट्ठा कर कर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर उन गरीब लोगों तक देने का काम, उनको खिलाने का काम ये गरीब यतीम समिति ये करती है। हमारे पीछे देख रहे हैं उन लोगों के लिए चावल बन रहे हैं जो कि अभी एक चावल पूरे बाजार के अंदर जहाँ जहाँ लोग खाना बदोश लोग हैं, जो लोग बाहर से होकर यहाँ फंस चुके हैं उनको ये खाना खिलाया जाएगा लगातार। जो कि लॉकडाउन 14 अप्रैल तक लॉकडाउन, प्रधानमंत्री का जो कहीं ना कहीं नारा है लॉकडाउन का, भारत बंद यानी कि घर में रहना है, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर बचना है, कोरोना वायरस की अगर कड़ी तोड़नी है तो हमें घर में ही रहना है। उसी के चलते कहीं ना कहीं जब खाना बनाने की बात आती है, खाना बांटने की जब बात आती है तो आप ये चावल का जो है तड़का जो है वो लग रहा है और ये लोग बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ से गाड़ी जो है भरकर उन लोगों तक पहुँचेगी। हम यतीम गरीब के जो समिति के सदस्य हैं उनसे बात करते हैं, ये योजना है किस कब से स्टार्ट हुई थी और कब से आप इसको चला रहे हैं? ये योजना 2.5 साल हो गए साहब चलते चलते। किस तरह से अभी जैसे आज आपसे परमिशन भी ली होगी? एजेंट साहब से परमिशन ली है। अच्छा, परमिशन लेने के बाद ही काम चालू हो रहा है। अभी कहाँ कहाँ बांटेंगे आप ये सब? अभी जो भी यात्री निकल रहे हैं, मालीपुरा है, वो अपने रिलायंस पेट्रोल पंप है, यहाँ सब जगह बांट रहे हैं। सब जगह बांट रहे हैं। सुबह सुबह क्या बांटा था? सुबह सब्जी पूरी सब्जी थी। कितने लोगों को? करीब कम से कम 150 आदमी करा। तो इसका पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं आप? सब जो भी देना चाहता है, जो भी देना चाह रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई किसी से मतलब जबरदस्ती मांग कर ये काम कर रहे हैं। श्रद्धा जो होती है वो कहीं ना कहीं आम जन की बात होती है, कहीं ना कहीं वो जो है वो नजर आ रही है। और बात समाज सेवा की होती है तो समाज सेवा ऐसी भी कहीं ना कहीं एक छोटे से गरीब खाने के अंदर, एक गली के अंदर चावल बनाकर आम लोगों तक भोजन पहुंचाने का जो काम है वो यतीम गरीब जो है वो संस्था करती है। मलोकेश मकवाना जुबेर खान के साथ खबर 24 न्यूज। हम खड़े भवानी मंडी, झालावाड़ जिले के भवानी मंडी के रेलवे स्टेशन के समीप। जिस तरह से लगातार जो है पूरा भारत लॉकडाउन है और राजस्थान सरकार ने भी 31 तारीख तक लॉकडाउन किया है, यानी कि पूरा ऑल इंडिया जो है कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है। हम सीमावर्ती राजस्थान बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर खड़े हैं। ये भवानी मंडी का वो स्टेशन है जो कि एक पाँव आप अगर रखते हैं तो मध्य प्रदेश की ओर जाता है और दूसरा पैर आपका होता है तो वो राजस्थान की ओर जाता है। ये भारत का पहला ऐसा स्टेशन माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कई राहगीरों को भी, यहाँ के समाज के जो लोग हैं वो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने भी कुछ देर पहले आपको दिखाया भी था कि जिस तरह से बाहर जो लोग खड़े हैं, वो जितने भी पैदल जो यात्री निकल रहे हैं उनको भोजन की व्यवस्था हो रही है। और भवानी मंडी के सामाजिक संगठन जो है वो बात किसी भी व्यवस्था को लेकर है वो आगे हरकर बात बढ़ा रहे हैं। बात पुलिस महकमे की देख लें, बात पुलिस प्रशासन की देख लें, तो वो भी आमजनों को, राहगीरों को समझाने की कोशिश कर रही है, उनसे हाथ जोड़कर विनती कर रही है कि आप घर से ना निकलें। एक तरफ प्रधानमंत्री का जो नारा था कल तो अभी तो उद्बोधन में कि आप घर से ना निकलें, तो खबर 24 भी ये अपील करता है कि आप घर से ना निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस का जो डर है वो धीरे धीरे भयभीत होता जा रहा है। राजस्थान में अब तक जो है पॉजिटिव वो 43 आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में 20 आ चुके हैं, लगभग 14,000 से 15,000 लोगों की वर्ल्ड में मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं ये लोग अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि कोरोना वायरस आखिर है क्या। धीरे धीरे जब संक्रमण एक दूसरे को फैलता है तो धीरे धीरे इसकी बीमारी जो है वो बढ़ती रहती है। कई अभी तक जो है मौतों का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, 600 के पार हो गया है। हम अब बात करेंगे यहाँ के जो थाना इंचार्ज, जो थाना अधिकारी रहे से महेंद्र मीणा है, SI हरि सिंह जी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस तरह की सुबह सुबह की जो मॉनिटरिंग दिन भर की 8 से 12 जो बाजार खोला गया, बाजार में मेडिकल या किराना और कई तरह की दूध सामग्री वगैरह कई तरह के जो है वो दुकान 12 बजे तक खुली गई, अब किस तरह से आप अपील कर रहे हैं और क्या लोगों को समझाइश कर रहे हैं? भवानी मंडी में एक बात और बता दूं मैं आपको, कम से कम ऐसे खाना बदोश जो बाहर से यहाँ फंसे हुए हैं 300 से 400 लोगों को अभी सुरक्षित रखा गया है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। समाज संगठनों दोबारा भी हम बात करते हैं पुलिस से, जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था आगे होगी, किस तरह से व्यवस्था की गई है सब जगह। सभी हमारा जो पुलिस जो है हर जगह है और 8 से 12 के बीच में परचून की दुकानें हैं, दूध की है, मेडिकल स्टोर की है, ये 8 से 12 के बीच में रहती खुली, और मेडिकल की दुकानें हैं ये पूरे दिन रहती खुली रहती है। उसके अलावा 12 बजे बाद हम किसी व्यक्ति को नहीं आने देते हैं जी, रोड पे नहीं आते हैं, और कोई आता भी है तो हम उनको समझाइश कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार से रोड पे नहीं आए, और बिल्कुल यहाँ की लोगों का भी पूरा ये उनका ये समाज के संगठनों का लोग बिल्कुल उनका भी ये हो रहा मिल रहा है, और कोई भी लोग भी हमारा पूरी मतलब वो करें, हेल्प करें,
और वो नियर रोड पे नहीं। सीमावर्ती की बात करें, मध्य प्रदेश सीमावर्ती से कुछ लोग आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने? एमपी से हमारे ये पास में एमपी की आगे बॉर्डर है, हाँ बिल्कुल बॉर्डर है, उधर से एमपी वाले भी उधर से नहीं आने दे रहे हैं लोगों को, और इधर से भी लोग उधर नहीं जा रहे हैं। किस तरह से समझाइश की जा रही है, जैसे कोई बात हॉस्पिटल की आती है, कई लोग तो हॉस्पिटल का बहाना लेकर भी जा रहे हैं, कई लोग ऐसे भी घूम रहे हैं, उनको लेकर क्या वास्तविकता? यदि हॉस्पिटल की है उनको वास्तव में जैसे इलाज की आवश्यकता है तो बिल्कुल हम उनको परमिशन देते हैं कि भाई वो इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको दे रहे परमिशन दे रहे हैं। वास्तविकता जो मजबूर लोग हैं जिनको वास्तव में मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, कोई किराना की जरूरत पड़ती है, दूध या कोई किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो 8 से 12 जो है जिला कलेक्टर के आदेश के बाद 8 से 12 का बाजार खोला गया। हम मध्य प्रदेश के जो है यहाँ बॉर्डर के कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह की बॉर्डर की जो व्यवस्था की जा रही है, आवागमन को लेकर किन किन को रोका जा रहा है, क्या क्या पूछताछ की जा रही है, उससे आईडी पूछी जा रही कि नहीं जा रही है, ये सारी व्यवस्था जो है अब देखना है। देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस महकमा भी इस कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत के पुलिस महकमा भी कहीं ना कहीं खाने बांटने का भी काम कर रहा है, आप कई जगह टेलीविजन में देख रहे हैं। हम बात करेंगे हमारे जो मान सिंह जी हैं उनसे भी बात करेंगे किस तरह की जो व्यवस्था है एमपी पुलिस की तरफ से की जा रही है। शासन के आदेशानुसार हमने सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चालू कर रखी है। फोर व्हीलर टू व्हीलर को तो कतई अलाउ नहीं किया है, और जो आवश्यक सेवाएं जो हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह है और अन्य जो है, शासन के अधिकारियों द्वारा आदेश पत्र को चेक करके हमने उन्हीं को जो है गंतव्य स्थान पर जाने के लिए परमिशन दी है। राजस्थान पुलिस से क्या मदद मिल रही है? राजस्थान पुलिस से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उधर से वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भी जो है उधर के अधिकारी आते हैं, जैसा मार्गदर्शन देते हैं वैसा पालन हम भी कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों का आदेश का पालन भी हम कर रहे हैं, और सारी व्यवस्थाएं हमने शासन के आदेशानुसार दे रखी है। देखा आपने, हमें यहाँ थाना अधिकारी जिससे भी बात करते हैं, जो कि एक महिला थाना अधिकारी भेसोदा चौकी में लगाई गई है, जो कि प्रशासन की जब बात आती है तो जिस तरह से सीमावर्ती मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था हो रही है, आज दोनों तरफ बॉर्डर की ओर राजस्थान पुलिस खड़ी है, वो पूरी लेवन रोड की जो है पालना कर रही है, और दूसरी तरफ जो एमपी चौकी प्रभारी है वो भी तरह से पुलिस की पूरी पालना कर रही है, जिस तरह से आने जाने वालों को रोका जा रहा है, कहाँ से आते हैं, मेडिकल के लोग हैं तो उनकी पहचान क्या होनी चाहिए, उनकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, वो कहाँ जा रहे हैं, ये सारी व्यवस्था को लेकर हम थानाधिकारी महिला से भी बात करते हैं, जानते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई। मैडम जो किस तरह की व्यवस्था की गई अपने यहाँ पर? यहाँ पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी राजस्थान एमपी का इधर इधर ना जाए, केवल जो अर्जेंट है या फिर मरीज है उसी को अलाउ किया जा रहा है, और 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाई जा रही है, पूरी 24 घंटे यहाँ पर बल तैनात किया गया है। ग्रामीण अंचल के लोग कई मेडिकल हॉस्पिटल का नाम लेकर आते हैं, उनको किस तरह से आइडेंटी कर रहे हैं? उनकी आइडेंटिटी चेक करती है, उनके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज है या फिर उनके पास क्या आधार कार्ड पर्चे वगैरह या फिर उनकी दवाइयाँ वगैरह चेक करके उसके बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। कल जिला कलेक्टर साहब ने क्या आदेश जारी करे थे मीटिंग में? मीटिंग में यही कि किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, कोई भी जा रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक चेक करें, उसके बाद ही उसको एंट्री दें, कोरोना वायरस को देखते हुए सब लोगों को इसके लिए अवेयर करें, घर के अंदर रहें, फालतू इधर उधर ना घूमें, यही सब। वैसोदा मंडी में मेडिकल टीम घूम रही है? हाँ बिल्कुल घूम रही है, वैसोदा मंडी में मेडिकल टीम घूम रही है, सभी का चेकअप भी करवाया जा रहा है, जो लोग रास्ते में आ रहे हैं, तहसीलदार चौकीदार सभी के सपोर्ट से ये कार्य किया जा रहा है। देखा आपने, मधु बंसल थाना अधिकारी ने बताया कि भाई कल कलेक्टर साहब के आदेश के बाद भी हमने उनकी पालना की, और मेडिकल टीम जो पूरी वैसोदा ग्राम पंचायत के वैसोदा मंडी में 8,000 जो मतदाता है उनके बीच घूम घूम कर जाकर कोरोना वायरस से डरे, घर से बाहर ना निकले। खबर 24 भी अपील करता है कि हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप प्रधानमंत्री का उद्बोधन का आप समझे, और जिस तरह से 14 तारीख तक पूरा भारत लॉकडाउन किया है, खबर 24 ये अपील करता है कि आपकी जरूरत चीजें हैं, सुबह 8 से 12 का बाजार भवानी मंडी के अंदर खोला हुआ है, आप उन चीजों को जाकर किराना मेडिकल सामान ले सकते हैं, और ये अपील जो है वो खबर 24 भी करता है कि लगातार आप अपने घर के अंदर ही रहे, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता है। पुराने लोग कहते हैं कि 100 साल पहले इस तरह का जो हुआ था मारा, जो देश में जो महामारी मची थी वो 100 साल पहले मची थी, हमने भी ये नहीं देखा था। कहीं ना कहीं ये देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये महामारी कोरोना की कहीं ना कहीं कई लोगों को चपेट में ले सकती है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप घर में ही रहें, क्योंकि ये सबसे बड़ा इलाज घर में रहने का ही है। मैं लोकेश मकवाना, खबर 24 से, कैमरामैन जुबेर गोपाल शर्मा।